નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર ધોરણ નવની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ જેમાં આપણે અલગ અલગ જે વધારાના પ્રશ્ન છે જે ટૂંકમાં નાના પ્રશ્ન છે અને એવા અલગ અલગ નાના પ્રશ્નોની અહીં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ તો પાઠ એમાં આવે છે ત્રીજો પાઠ બરાબર કયા નિરાશ હોવા જાય આ પાઠના એકક છે હરિપ્રસાદ દ્વિવેદી જન્મ એમનો છે સન ઓગણીસો સાત મૃત્યુ છે ઈસીસન સન ઓગણીસો ને આ પાઠના અલગ અલગ પ્રશ્નો છે આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરશું એ પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરીએ તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બે લાયકન દબાઈ દેજો જેથી કરીને નવા નવા વિડીયોની જાણકારી પણ તમને મળતી રહે નોટિફિકેશન આવી જાય કે વિડીયો મુકાયેલ છે આવા અલગ અલગ વિડીયોથી તમારું જ્ઞાન વધતું રહેશે અને આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થતી રહેશે તો અલગ અલગ વિડીયો આના સિવાયના જોવો હોય તો ઉપર પ્લે લિસ્ટ છે પ્લેલિસ્ટની અંદરથી પણ તમે એ વિડીયોઝ છે આના સિવાયના બીજા પાર્ટના એ પણ તમે ત્યાં જોઈ શકશો પ્લેલિસ્ટમાં જાજો ત્યાં અલગ અલગ જે પ્લે લિસ્ટ છે એમાંથી તમે વિડીયો સર્ચ સરળતાથી કરી શકશો વિડિયો ગમે તો લાઈક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો અંત સુધી વિડીયો જોજો જેથી કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબ શું આવે છે તમને ખ્યાલ આવી જાય તો આ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે એ અલગ અલગ આપણે જોતા જઈએ જેના નાના નાના પ્રશ્નો પૂછી શકે છે એક્ઝામમાં ન પેલો વિભાગ આવે છે ગદ્ય લક્ષી વિભાગ જે ગદ્ય લક્ષી એટલે કે પાઠના આધારે નાના પ્રશ્નો છે એ પેલો જોઈ લે તો એમાં પેલો છે સહી વિકલ્પ ચૂનકર रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए खाली જગ્યા છે ભરવાની છે જ્યાં પેલું છે ડ્રાઈવર કો મારપીટ સે ખાલી જગ્યાને બચાયા ડ્રાઈવર કો મારપીટ સે લેખકને બચાયા બીજું હે ભારતવર્ષ સદા કાનૂન કો ખાલી જગ્યા રૂપ મે દેખતા રહા હે ભારતવર્ષ સદા કાનૂન કો ધર્મક धर्म रूप में देखता रहा है तीसरा है व्यक्ति जो कुछ भी करेगा जो लोग उसमें खाली खोजने लगेंगे व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे चौथा है मेरे मन खालीजग्ञा होने की जरूरत नहीं है मेरे मन उदास होने की जरूरत नहीं है पांचवा है कैसे कहो कि मनुष्यता एकदम खाली हो गई कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई बाद में दूसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित विधान सही है या गलत वो बताना है पहला है ऊंच पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं तो ये वाक्य है सही वाक्य है दूसरा है भारत ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व दिया है ये वाक्य गलत वाक्य है तीसरा है बस कंडक्टर पुरानी बस लेकर आया ये वाक्य गलत वाक्य है चौथा है हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है ये वाक्य सही वाक्य है प्रश्न तीसरा है तीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए उसमें पहला है भारत के आदर्शों को कौन भूल गया है तो भारत के आदर्शों को जिम्मेदार लोग है वो भूल गए है दूसरा है टिकट बाबू में कौन सा गुण था तो उसका आंसर है टिकट बाबू में ईमानदारी का गुण था तीसरा है हमारे देश में कानून से बड़ा किसे माना गया है तो हमारे देश में कानून से बड़ा धर्म को माना गया है प्रश्न चौथा आता है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान को पूर्ण करना है उसमें पहला है व्यक्ति जो कुछ भी करेगा तो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। उसका आंसर आएगा ब ऑप्शन दूसरा है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था तो उसका आंसर आएगा क ऑप्शन प्रश्न तीसरा है इसमें। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन सुखमय जीवन को कष्ट कर हो जाएगा केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो क्या होगा जीवन कष्ट कर हो जाएगा सुखमय नहीं होगा पर कष्ट कर हो जाएगा बाद में प्रश्न पाँचवा आता है निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है उसमें पहला है भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता रहा है तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है एट सी ऑप्शन आएगा आंसर में दूसरा है बुराई में रस लेना खाली जगह बात है बुराई में रस लेना बुरी बात है तो सी ऑप्शन आएगा आंसर में तीसरा है टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में खाली जगह रुपये रख दिए टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में नब्बे रुपये रख दिए तो डी ऑप्शन आएगा आंसर में चौथा है भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि तो उसमें आंसर आएगा का धर्म कानून से बड़ी चीज़ है तो बी ऑप्शन आएगा आंसर में पांचवा है इस समय सुखी सुखी वही है जो कुछ नहीं करता तो आंसर आएगा सी ऑप्शन छठा है किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती तो आंसर आएगा डी ऑप्शन सातवां है मेरे मन खाली जगह होने की जरूरत नहीं है मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है तो आंसर आएगा डी ऑप्शन विभाग दूसरा आता है व्याकरण लक्ष्य प्रश्नोत्तर सभी प्रश्नों व्याकरण के आधारित पूछे गए हैं तो देखते रहे प्रश्न पहला निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है समानार्थी शब्द जिसको कहते हैं वो पर्यायवाची शब्द लिखना है पहला वाला है तस्कर तस्कर मतलब चोर हताश निराश मनीषी तो पंडित फरेब धोखा सहार विनाश निरी निराधार निष्क्रुट अधम माहौल परिस्थिति त्रुटि कमी कातर भयभीत बाद में प्रश्न दूसरा आता है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखना है उसमें पहला है ईमानदार तो बेईमान दूसरा है भ्रष्टाचार तो सदाचार तीसरा है आंतरिक तो बाह्य चौथा है सबल तो निर्बल पांचवा है क्रोध तो अक्रोध छठा है उचित तो अनुचित सातवा है अकारण तो सकारण आठवा है निष्कृत तो उत्कृष्ट सच्चाई तो झूठ दसमा तो वीर मनीषी तो मूर्ख प्रश्न तीसरा निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए पहला वाला है आदमी से आदमीयत चली गई जाए तो ममता व्यवहार कौन करेगा उसमें आएगा आंसर आदमीयत आदमीयत है वो भाववाचक संज्ञा है दूसरा आजकल ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने वाला श्रमजीवी बड़े दुखी है तो ईमानदारी है वो भाववाचक संज्ञा है तो आंसर में आएगा ईमानदारी तीसरा है देश के दिन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है तो उसमें आंसर आएगा व्यवहार वो भाववाचक संज्ञा है चौथा है आज किसी को किसी की किसी पर विश्वास नहीं रह गया तो विश्वास है वो भाववाचक संज्ञा है पाँचवा है तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त थे तो तस्करी है वो भाववाचक संज्ञा है छठा है सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की तो उपेक्षा है वो भावाचक संज्ञा है उसके बाद प्रश्न चौथा है वो स्वाध्याय में भी है यहाँ पे देख सकते हैं ये स्वाध्याय का स्टार वाला जो होता है चिन्ह वो स्वाध्याय का प्रश्न है ये निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए उसमें पहला वाला है डाकू का डकेती आदमी का आदमीयत, तीसरा है बौद्ध बहुत का बहुतायत चौथा है सभ्य का सभ्यता पांचवा है मानव का मानवता ये सब भाववाचक संज्ञा से बनानी है उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए तो विशेषण कौन सा है वो आपको कहना है पहले वाला है शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है तो सामाजिक है वो विशेषण है दूसरा है क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है तो क्रोधी है वो विशेषण है तीसरा है हर युग में समाज की अपनी सामयिक समस्याएं होती है तो सामयिक है वो विशेषण है चौथा है परीक्षा के बाद ही परीक्षित कार्य की जांच होती है तो परीक्षित है वो विशेषण है पांचवा है परीक्षा के समय भयभीत छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते तो भयभीत है वो विशेषण है छठा है आज ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है तो ईमानदार है वो विशेषण है तो ऐसे विशेषण है वो पहचान कर लिखने हैं बाद में छठा प्रश्न है वो स्वाध्याय का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बनाकर लिखिए भारत का विशेषण होता है भारतीय समाज का होता है सामाजिक क्रोध का होता है क्रोधी समय का होता है सामयिक धर्म का होता है धार्मिक ये तो सब विशेषण बनाकर लिखना है सातवां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए उसमें पहले तीन है वो स्वाध्याय के है शब्द समूह लिखना है पहला है धर्म से डरने वाला उसको कहता है धर्म भीरु दूसरा है मिलन की भूमि उसको कहते हैं मिलन भूमि तीसरा है सुख देने वाला उसको कहते हैं सुखद चौथा है पुराने ख्याल वाला उसको कहता है दक्यानुषी पांचवा है कसोटी पर खड़े उतरे हुए उसको कहते हैं परीक्षित छठा है रास्ता भूला हुआ उसको कहते हैं गुमराह ऐसे शब्द समूह है वो लिखने हैं बाद में आठवां प्रश्न है ये चारों चार आप देख सकते हैं स्वादेय के है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ ले देख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए उसमें पहला वाला आता है मन बैठ जाना मतलब उदास होना तो उसका वाक्य हम लिख सकते हैं बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है दूसरा वाला है फलना फूलना उसका मतलब है विकसित होना समृद्ध होना उसका वाक्य लिख सकते हैं महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया तीसरा वाला है पर्दाफाश करना मतलब भेद खोलना तो उसका वाक्य लिख सकते हैं चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया चौथा वाला है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब चेहरे का रंग फीका पड़ना तो उसका वाक्य लिख सकते हैं लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवा या उड़ने लगी उसके बाद पाँचवा छठा बीस आदि का है पांचवा है कातर ढंग से देखना मतलब भयभीत होकर देखना तो उसका वाक्य लिख सकते हैं कि सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा छठा प्रश्न है ढाढस बंधना ढाढस बंधना मतलब सांत्वना देना तसली देना तो उसका वाक्य लिख सकते हैं गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढाढस बंधाया सातवाँ है ज्योति बुझना मतलब मरना उसका वाक्य लिख सकते दुश्मनों से लड़ते लड़ते महारानी की ज्योति बुझ गई उसके बाद प्रश्न में आता है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखना है उपसर्ग में जो आते हैं वो आगे का शब्द है वो लिखने होते हैं उसमें पहला वाला आता है बेईमान तो उसका होता है बे प्लस ईमान तो बे है वो उपसर्ग है दूसरा वाला है परिवर्तन में परि प्लस वर्तन तो उसमें आता है उपसर्ग परिश्रम में परि उपसर्ग निरीक्षक में नि होता इच्छक तो नि होता वो उपसर्ग है प्रत्यारोपण में प्रतिवत्ता आरोप होता है तो प्रति है वो उपसर्ग है विदेश में वी प्लस देश वी है वो उपसर्ग है सपरिवार में सौ प्लस परिवार स है वो उपसर्ग है व्याकुल में वी प्लस आकुल Gloria, तो वी है वो उपसर्ग है नवमा है उपेक्षा तो उप प्लस इक्षा तो उप है वो उपसर्ग है दसमा है निराधार तो नीस वत्ता आधार तो नीस वो है वो उपसर्ग है यहाँ पे भी नीस है वो उपसर्ग है तो ये दस देश है वो उपसर्ग पहचान कर लिखने हैं उसके बाद दसवां प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए तो प्रत्यय वो बाद में जो भी शब्द आता है उसको प्रत्यय कहते हैं वो पहचान कर लिखने हैं जैसे कि निबंधकार निबंध का निबंध का, प्लस कार होता है तो कार है वो प्रत्यय है बेईमानी तो बेईमान प्लस ई ई है वो प्रत्यय है धोखेबाज धोखा प्लस बाज तो बाज है वो प्रत्यय है सामाजिक मतलब समाज वत्ता एक तो इक है।, तो तो है।, तो तो है वो प्रत्यय है भौतिक तो भूत प्लस इक तो ईख है वो प्रत्यय है महत्व तो त्वा तो त्वा है वो उपसर प्रत्यय है स्वाभाविक तो स्वभाव प्लस इक इक है वो प्रत्यय है आध्यात्मिकता तो आध्यात्म वत्ता इक वत्त वत्ता ता तो ईक और ता है वो दोनों प्रत्यय है तस्करी तस्कर वत्ता ई है वो प्रत्यय है परीक्षित तो परीक्षा प्लस इत तो ईत है वो प्रत्यय है बाद में आंतरिक आंतरवत्ता इक इक है वो प्रत्यय है निरीक्षक निरीक्षण वत्ता क तो क है वो प्रत्यय है बाद में आता है राजनीतिक तो राजनीति प्लस क तो क है वो प्रत्यय है बाद में आता है ईमानदारी ईमान इमां प्लस दार तो दार है वो प्रत्यय है यूरोपीय तो यूरोप प्लस इ तो ईय है वो प्रत्यय है मानवता पूर्ण तो मानव वत्ता ता वत्ता पूर्ण तो ता और पूर्ण दोनों प्रत्यय है समर्थक तो समर्थ वत्ता क क है वो प्रत्यय है लेखक तो लेख वत्ता क क है वो प्रत्यय है अच्छा तो अच्छा वत्ता ई है वो प्रत्यय है तो जो पीछे वाले शब्द जो लिखते हैं वो प्रत्यय के रूप में लिखते हैं तो ये था प्रत्यय का प्रश्न તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ કઈ રીતે લખવાના છે આવા દરેક પ્રશ્નોના જવાબ છે એમાં નાના પ્રશ્નો પણ સ્વાધીના હોય છે તો એ નાના પ્રશ્નો સ્વાધીના વિડીયોની અંદર તમને જોવા મળ્યા છે તો એ પણ તમે સ્વાધ્યાય લખતા હોય ત્યારે લખજો આવા અલગ અલગ પ્રશ્નોથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે અને વ્યાકરણલક્ષી અને ગજ્યલક્ષી પ્રશ્નો છે ઘણી વખતે પૂછાઈ જાય છે નાના પ્રશ્નો તરીકે તો મોસ્ટ હેપી કહી શકાય એવા પ્રશ્નો છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી કરીને એના માટે પણ આ વિડીયો ઉપયોગી થાય સાથે ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરી લેજો આના સિવાયના હજી બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મૂકાતા રહેશે એટલે વિડીયોઝ જેવા મુકાય એમની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલી હોય તો તાત્કાલિક એની નોટિફિકેશન તમને જોવા મળે કે આ વિડીયો મુકાયેલો છે તાત્કાલિક તમે ત્યારે જોઈ શકો છો આવા અલગ અલગ વિડીયોઝ છે બીજા આના સિવાયના પણ હજી પ્લે લિસ્ટની અંદર ન જોયેલા હોય તો ઉપર તમે પ્લેલિસ્ટમાં જજો ત્યાંથી પણ તમે બીજા વિડીયોઝ છે પ્લેલિસ્ટની અંદર જાશો यार ये तुम में જોઈ શકશો તો એ પણ તમે જોજો એ વિડિયો પણ ગમે તો લાઈક કરજો જોતા રહેજો આ વિડિયો જેથી કરીને તમારો જ્ઞાન પણ વધતો રહેશે થેન્ક યુ very much કાળજી રાખજો ટેક કેર